So students, let us start with the new chapter, and that is fractional किलोवाट मोटर्स. सिंगल फेज मोटर्स को जनरली हम लोग फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स भी बोलते हैं, बट जनरली क्या होता है कि फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स हम उन मोटर्स को बोलते हैं जिनके आउटपुट जो है 1 किलोवाट से कम होती है, राइट. और अगर उनकी 1 किलोवाट से ज़्यादा हो तो हम कई बार उनको इंटेग्रल किलोवाट मोटर्स भी बोलते हैं, 1 किलोवाट से ज़्यादा, राइट. सो जनरली ये सिंगल फेज टाइप की होती हैं, राइट. और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पॉलीफेज मशीन से जो है इनकी एफिशिएंसी कम होती है, राइट. येट इनकी जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं बिकॉज ये छोटे रेटिंग में बनाई जाती हैं, फाइन. सो सबसे पहले टू स्टार्ट विथ हम ये देखते हैं कि जो सिंगल फेज मोटर है हमारी वो दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. मतलब कि आपने देखा था कि जिस तरह से मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर को मैंने आपने देखा था कि मैं सीधा सप्लाई लगाता हूँ और वो अपने आप, उसका प्रिंसिपल ऐसा है कि वो अपने आप चलना शुरू हो जाती है. वेयर एज फ्रैक्शनल किलोवाट या जो जो सिंगल फेज किलोवाट मोटर्स हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उनको स्टार्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई मैथड यूज़ करना पड़ता है, फाइन. और वो जो मैथड है, राइट, वो जो मैथड है उसी के अकॉर्डिंगली सिंगल फेज मोटर्स का नाम होता है, राइट. जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप मोटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की मोटर जो हम आगे पढ़ेंगे. पर सबसे पहले कि ये मोटरें जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं सिंगल फेज मोटर की, राइट, वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 थ्यूरीज के साथ, राइट. सो वो 2 थ्यूरीज हैं हमारी. डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और क्रॉस फील्ड थ्योरी, राइट. ये 2 थ्योरी है जो हमें एक्सप्लेन करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या बोलती है. बेसिकली ये बोलती है कि जो आपकी सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज एसी है, उसको वो प्रोड्यूस करती है पल्सेटिंग फील्ड. हमें पता है हमारी सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है, हमारी सिंगल फेज सप्लाई इज दिस, राइट. सो इट प्रोड्यूसेस अ पल्सेटिंग फील्ड. पहले जो फील्ड आपकी आएगी पॉजिटिव डायरेक्शन की फील्ड आएगी, फिर जो फील्ड आएगी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन की फील्ड आएगी, राइट. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहता है कि हम लोग ये जो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है आपकी, जो आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू इनटू टू और रोटेटिंग कंपोनेंट्स, राइट, विच रोटेट इन अपोजिट, विच रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड हैव मैग्नीट्यूड, है मैग्नीट्यूड हाफ द मैक्सिमम. मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड होगा हाफ होगा और वो दोनों जो कंपोनेंट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रोटेटिंग अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों कंपोनेंट जो है एक्ट करेंगे, राइट. सो जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग जो है आपकी, स्टेटर वाइंडिंग इट प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने यहाँ बताया, राइट, हैविंग, अब मान लेते हैं कि इट्स हैविंग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 5 m,
ठीक है, तो ये 5M कर रहे। अब डबल फील्ड रिकॉर्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, और इनिशियली आप देखेंगे तो इन कंपोनेंट को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, ये जो दो कंपोनेंट आएंगे मेरे वो इस तरह से आएंगे। एक कंपोनेंट जो होगा मेरा वो 5F होगा, और एक कंपोनेंट जो मेरा 5B होगा, राइट। तो इन दो को मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो 5F है वो 5B के इक्वलिटी होगा, और वो 5M के हाफ होगा, ठीक है। ये इशू। अब ये दोनों आपस में घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो एक स्टेज आप ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, 5F जो है फॉरवर्ड कंपोनेंट जो है वो बैकवर्ड कंपोनेंट के बराबर है, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। सो एट द टाइम ये दोनों आपस में जो है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए स्टार्टिंग में ये रोटेट नहीं करेगा, इसी को कंपोनेंट को आप बाद में देखेंगे। तो अगर मैं अगर सेकंड डायग्राम देखूँ आपका, तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जब मेरे कंपोनेंट दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, ये दोनों अगर मेरे एक ही डायरेक्शन में है, ये 5B है और ये 5F है, तो इनका जो मेरा ये है 5, ये टोटल क्या हो जाएगा, 5M हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब ये 90 डिग्री पे हो जाएंगे, व्हेन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। व्हेन दिस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे 5R के रिजल्टेंट जो है वो 0 है, यहाँ पे 5R क्या है, 5R रिजल्टेंट जो है वो 5 max के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में अभी, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो ये मेरा इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मेरा 5M है और ये किस एंगल पे आया, मेरा 90 पे आया, और ये दिस इज स्टेट ऑफ फ्लक्स। तो इस तरह से डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है कि जो मेरी सिंगल फेज सप्लाई है, पल्सेटिंग फील्ड है, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि दो कंपोनेंट में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और जो दो कंपोनेंट है वो दो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करते हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स के हाफ होता है। यहाँ पे मैंने शो किया, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट देखो, 0 पे मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, फाइन, ओके। और यहाँ पे आप जब दोनों घूम के जब दोनों 90 डिग्री पे आ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपकी जो है फ्लक्स मैक्सिमम हो जा रहा है 5M, और यहाँ पे मैंने उसको शो कर दिया हुआ है। तो ये थ्योरी शो करती है कि क्यों आपका स्टार्टिंग में जो है आपका ये जो मोटर है, आप लिख सकते हैं इसको ऐसा लिखना है, तो एट स्टार्ट दिस टू टॉक, ये जो 5A और 5B का जो टॉक है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर नेट टॉर्क विल बी 0। तो क्लियर हो गया। तो दैट इज वाई कैन से कि ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कि भाई आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जब आप उसको सिंगल फेज सप्लाई करेंगे, तो वो मोटर जो है आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होंगी, रादर वो मोटर जो है आपकी, उसको हमें कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, ओके, फाइन। अब जो दूसरी थ्योरी वो देख लेते हैं, दूसरी थ्योरी क्या बोलती है। दूसरी थ्योरी जो है हमारी, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस फील्ड थ्योरी। अब
गॉस फील्ड थ्योरी क्या बोलती है, देखो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये आपकी सिंगल फेज की मैंने एक मोटर बनाई है यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रोटर आ रहा है सिंगल फेज मोटर का, यहाँ पे इस तरह से रोटर है और यहाँ पे ये 5S फ्लक्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और ये रोटर के कंडक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो एक साइड के जो कंडक्टर्स हैं उनमें डॉट आएगा और एक साइड के कंडक्टर्स में आपका क्रॉस आएगा, राइट। सो जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो यहाँ की ये इस तरह, या जो फोर्स एक्ट होगी इन कंडक्टर की वजह से वो इस डायरेक्शन में आएगी, और जो इस तरह से फोर्स एक्ट होगी वो इस तरह से आएगी, राइट। सो जब दोनों फोर्स हैं, जब आप एक्ट करेंगे, ये आप देखें यहाँ पे, जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल है, व्हेन योर रोटर इज स्टैंड स्टिल द सप्लाई प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग फ्लक्स 5S विच एक्ट्स अलोंग द स्टेटर एक्सिस। इस स्टेटर एक्सिस की तरह एक्ट कराई हमने बनाया हुआ, ठीक है। अब इस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जो है रोटर में इंड्यूस हो रहा है, राइट, रोटर में इंड्यूस हो रहा है ट्रांसफैक्शन से, और क्योंकि रोटर के कंडक्टर जो है क्लोज हैं, ये जो है रोटर में करंट सर्कुलेट हो गया, और मैंने आपको बता दिया कि करंट जो है दोनों पोल्स में डिफरेंट है। अब यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने लगाया हुआ, जब मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि कंडक्टर्स में फोर्स जो है, या क्रॉस कंडक्टर्स के लिए फोर्स इस तरफ एक्ट होगी और दूसरे में फोर्स इस तरफ एक्ट होगी, राइट। सो द ओवरऑल फोर्स जो है एक्सपीरियंस्ड बाई रोटर विल बी जीरो, दिस इज वॉट क्रॉस फील्ड थ्योरी है, ठीक है। हेंस हेंस नो टॉर्क इज टॉर्क एग्जिस्ट ऑन रोटर एंड इट कैनॉट स्टार्ट, राइट, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सपोज इसको इनिशियली अगर मैं पुल दे देता हूँ तो क्या होगा कि जब ये इनिशियली पुल दूंगा तो यहाँ पे ये फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है, और वहाँ जब आप लाएंगे तो हम आपको टॉर्क एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ईएमएफ आपका एक डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो वो जो है उस तरह से फिर आप ये मोटर जो है उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आप इसको फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज वॉट योर क्रॉस फील्ड थ्योरी सेज, और किस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम शो करते हैं कि भाई आपकी जो है ये फोर्स जो है वो इक्वल टॉर्क लग रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए कोई टॉर्क इस पर एक्ट नहीं करता है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्रॉस फील्ड थ्योरी, ठीक है। सो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि आपकी सिंगल फेज मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, राइट। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि व्हाट आर द मेथड्स वी मेक यूज टू मेक दिस सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, और उसी मेथड के अकॉर्डिंगली हम इन सिंगल फेज मोटर्स को नाम भी असाइन करते हैं, फाइन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे। थैंक यू सो मच।